आज कहाँ जा रहे हैं तन्ने? कुछ पानी। अच्छा, अभी रास्ते में हम लोग पहुंच तो चुके हैं सेफली, बट आज हादसा होते होते बच गया। इट वॉज लाइक सो स्केरी, आई कांट टेल यू। मैं अभी भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकती हूँ जस्ट क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ, हम लोगों के साथ गुजरी है। तो तन्ने, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? हम रास्ते से जा रहे थे, एक्चुअली रास्ता चेंज हो गया था। रास्ता हम मेन रोड से ही जा रहे थे, हम लोगों ने कहीं अंदर वंदर नहीं जाना था, बट ड्यू टू सम यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस का कुछ धरना वरना टाइप्स चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कर दिया था वहाँ से मेन रोड से रास्ता ब्लॉक। तो हमने क्या लिया, हमने कट ले लिया अंदर की तरफ से। अब रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप, तो कहीं से भी रास्ता दिखा देता है, तो बस हो गई हमसे गलती, हमने ले लिया अंदर से कट। अंदर चलते 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 रोड बहुत ज़्यादा नैरो था एंड आई वॉज ड्राइविंग फोर व्हीलर। भाई एक रास्ता आया जहाँ पे एकदम इतना नैरो रास्ता था कि एक ही गाड़ी आ सकती थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आगे से ऑलरेडी गाड़ी आ रही है। मतलब वही होता है ना कि एक सेकंड का डिसीजन होता है, या तो आपके साथ आप सेफ हो जाओगे या तो फिर आपके साथ डिश हादसा हो जाएगा। तो बाबा जी की कृपा नाल हादसा होते होते रुक गया, साड़ी गाड़ी ऑलमोस्ट इदा बेंड हो गई। अगर मैंने गाड़ी की ब्रेक मार दी होती तो गाड़ी ने जाना था नीचे टच करके सीधा। मतलब हमें तो कुछ नहीं होता, बट हाँ फॉर श्योर हम भी बैठे थे, हमें भी होता, मतलब इतना कुछ नहीं होता, बट गाड़ी ने तो पक्का टूटना ही था। तो इतना ज़्यादा वाला इंसिडेंट हो गया था। तो वही है ना कि मेन रोड पर ही अगर चला रहे हो और आपको ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हूँ, बट इट जस्ट कि थोड़ा हो गया। और छोड़ो तो यार, क्या है यार, बस वो ना दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ड्राइविंग गई थी उसके बाद ही बस लाइक बस हम बच गए, बहुत गंदा बच गए वापस। हाँ सीरियसली हम लोग बचे हैं यार, लिटरली हम लोग बचे हैं, बहुत गंदे वाला। हाँ और मोर ओवर भीड़ भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेड ही था। ऊपर से ये लोग चश्मा भी नहीं लेके आए अपने बेचारे। तो चलिए, ये लोग टिकट लेके आ चुके हैं, अब हम लोग एंट्री करते हैं। चलो भाई तुम लोग अंदर आगे जाओ। सो दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस टू द केव। ऐसे स्टेयर्स जाती हैं, स्टेयर उतर कर आपको सामने ही गुफा स्टार्ट हो जाती है। सो पानी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पे, बट लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो ऑलमोस्ट मेरे घुटनों तक पानी था। सो इस वक्त तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा लेवल नहीं है बिकॉज ऑफ समर्स, गर्मियाँ भी हैं और बारिशें आई नहीं, बट बारिशों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और बेसिकली सेफली भी नहीं माना जाता यहाँ पे आना बारिशों के टाइम पे। तो ये ऐसे बहता हुआ पानी है। एंजू नेचर भी हमें कितना सरप्राइज करता है ना, उसकी बनावट, मतलब ये किसी इंसान, ऑफ कोर्स हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये कुछ अलग ही चीज़ होती है, अलग ही मज़ा होता है इसको देखने का और महसूस करने का। मुझे तो वैसे भी नेचर के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है।
यहाँ पे मैं ये बताने जा रही हूँ कि यहाँ से ऐसे ऊपर से झरना आ रहा है, ऊपर से कहाँ से आ रहा है ये भी नहीं पता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और एक और नई चीज़ देखने को मिली, और पहले मैंने ऐसा नहीं देखा था, बट यहाँ पे किसी ने कोई रेस्टोरेंट भी बना दिया है ऊपर जाकर। और यहाँ पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक और गुफा में। एक्चुअली गुफा आगे जाकर मेन झरना है, आप नीचे जैसे देख ही सकते हैं कितना बहाव से पानी आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं जस्ट एक लुक देकर पटक से बाहर आ गई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्राउडेड प्लस स्पेशियस नहीं था इतना ज़्यादा एज सच। आपको एक कॉमेडी की बात बताती हूँ, हम लोग ना बिल्कुल भी मतलब शूज़ वगैरह पहन के नहीं आए थे या बैलीस पहन के नहीं आए थे, बिकॉज मैं तो पहले आ चुकी थी तो मुझे पता था तो हम घर के ही चप्पल नहीं पहन कर आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम निकलते हैं घर की तरफ, बिकॉज 3 बज चुके हैं, थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे एंड देन वी लीव फॉर होम। ब्यूटीफुल प्लेस, बट अगेन सीजन पीक टाइम पे आएंगे तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश। सो होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद।